मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के राजरगंज में 6 व्यवसायियों के सहयोग से जिला में 12 करोड़ की लागत से पहला उसना चावल का मिल तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन मुंगेर जिला अधिकारी नवीन कुमार ने किया। क्षेत्र में उसना चावल का मिल खुल जाने से आसपास के किसानों में भी इस बात की खुशी थी कि अब उसना चावल तैयार करने के लिए उन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक साल के अंदर उसना चावल का मिल तैयार करने पर डीएम ने सभी 6 व्यवसायी संतोष साह, राजेश कुमार, रंजीत साह, राजेश गुप्ता, सन्नी कुमार और मोहन कुमार को चादर ओढ़ाकर सम्मानित किया। डीएम ने मौके पर कहा कि अब तक जिले में एक भी उसना चावल का मिल नहीं रहने के कारण राशन दुकानों से जिलेवासियों को अरवा चावल मिल पाता था। अधिकांश लोग राशन दुकान से अरवा चावल मिलने पर शिकायत करते थे। उन्होंने कई व्यवसायियों से उसना चावल का मिल स्थापित करने का अनुरोध किया था, जिसमें खड़गपुर के 6 व्यवसायियों ने एक साल में मिल तैयार कर लिया। अब लोगों की अरवा चावल मिलने की शिकायत दूर होगी। जिले में 120 टन प्रतिदिन उसना चावल तैयार करने वाले राइस मिल में तैयार चावल को पैक्स द्वारा गोदाम में भेजा जाएगा। गोदाम से वही उसना चावल डीलरों को मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैक्स द्वारा धान खरीद के बदले अब 100% उसना चावल ही लिया जाएगा, जिसे डीलर लोगों के बीच वितरित करेंगे। 5 बीघा में फैले इस राइस मिल में आसपास के सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। उद्घाटन के अवसर पर डीडीसी संजय कुमार, ओएसडी विवेक सुगंध आदि मौजूद थे। राइस मिल के पार्टनर्स ने बताया कि उन लोगों का लक्ष्य है कि सहकारिता विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में दिए गए 29,000 मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति लक्ष्य के अनुरूप जून माह तक 100% उसना चावल को तैयार कर दिया जाए। इसके बाद प्राइवेट किसानों के धान का उसना चावल तैयार किया जाएगा। आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे जो जिलावासी हैं उनको जो पीडीएस के माध्यम से हम लोग चावल देते थे, उसमें पूरी तरह हम लोग उसना चावल नहीं दे पाते थे और ये हमारे ज़िले के जो निवासी हैं वो उसना चावल ही खाते थे। इसके कारण इनको समस्या होती थी और हम जो चावल इनको देते थे वो उनके लिए बहुत उपयोगी नहीं होता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये निर्देश था कि सभी ज़िलों में उसना चावल का मिल बनाया जाए और पीडीएस के माध्यम से 100% लोगों को उसना चावल उपलब्ध कराया जाए। उसी निर्देश के आलोक में हम लोगों ने यहाँ काम किया। लगातार एक साल हम लोगों ने प्रयास किया और उसका प्रतिफल है कि हमारे जो ये आपके सामने उद्योगपति दिख रहे हैं, इन लोगों ने यहाँ पे उसना चावल राइस मिल लगाया है। और इस बार हम लोग जो धान अधिप्राप्ति कर रहे हैं पूरे मुंगेर ज़िले में, वो 100% 100% उसना चावल हम लोग उसको उसना चावल में रूपांतरित करके और हम लोग लेंगे। और इसका प्रतिफल ये आएगा कि भविष्य में जो हम लोग पीडीएस के माध्यम से जो लोगों को चावल देंगे वो मैक्सिमम उसना चावल हम लोग दे पाएंगे और बेहतर लोगों को उसका उपयोग हो पाएगा। सर, जो लक अभी जो ये मिल है इनकी जो कैपेसिटी है 5 टन पर आवर की कैपेसिटी, तो 5 एमटी पर आवर का इनका कैपेसिटी है। हम लोगों ने इसका असेसमेंट किया है तो करीब 6 महीने में ये 20 से 25 हज़ार एमटी ये कर पाएंगे, तो उसके अनुसार इनको हम लोग टैग कर रहे हैं। और एक दो लोग और हैं जो लगाने के लिए उत्सुक हैं, वो लोग भी लगा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग इस साल जो है वो निश्चित रूप से जो हम लोग का लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा करें। सर, एक दिक्कत ये जान लीजिए कि अभी करीब 200 से ऊपर, सबको हम उद्योगी कहेंगे, 5 लाख का उद्योग हो या 50 लाख का हो, 200 से ऊपर छोटे बड़े इंडस्ट्री या तो लग गए या लगने के स्थिति में है जो मार्च के पहले प्रारंभ हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने एक फोरम बना रखा है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में और जो मंथली हम लोग बैठक करते हैं इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हमारे जो लाइन अन्य डिपार्टमेंट हैं, जैसे हमारा विकास का डिपार्टमेंट है या हमारा रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, जहाँ से उनके समस्याओं को त्वरित निष्पादन हम लोग करें। और उसी का प्रतिफल है कि कहीं एलपीसी में समस्या है तो उसका तुरंत सॉल्यूशन निकाला जाता है, बिजली विभाग की कोई समस्या है तो उसको तुरंत सॉर्ट आउट किया जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी 3 दिन पहले एक महोदय ने मुझे किया था कि मुझे बिजली प्राप्त होने में समस्या हो रही है, 3 दिन हो गया हमको ऑफिस लगा रहे थे, उनका मैसेज आया कि सर लग गया। तो इस तरह से जिला प्रशासन और हम लोग काम कर रहे हैं, इस मुंगेर को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और मैंने अभी भी कहा कि जो हम उपयोग करते हैं जिन चीज़ों का
उन चीज़ों का उत्पादन हम यहीं पे करें और करके मुंगेर जिला तो हम लोग आच्छादित करें ही, आस पड़ोस के जितने जिले हैं, चूँकि हमारी कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है, हमारी कनेक्टिविटी नेपाल तक है, दार्जिलिंग तक है, हमारी कनेक्टिविटी फारबिसगंज है, खगड़िया है, बांका है, जमुई है, सभी जगह हमारी कनेक्टिविटी है, तो उसका हम लाभ उठाएं और लाभ उठा के व्यापार और बढ़ाएं। थैंक यू सर।